किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार हाथरस पहुंचे। हाथरस के बाद अलीगढ़ के पिलखना में वो पहुंचे। लगातार किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत साहब के द्वारा जिस तरीके से घायलों से बातचीत कही जा रही है, लगातार उनके द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो टिकैत साहब हैं वो घायलों का हालचाल जान रहे हैं, मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, मुआवजे की बात कही जा रही है आपकी तरफ से? 50 लाख रुपए मुआवजा दे दोगे, इनकी आर्थिक मदद हो जाएगी। धार्मिक भावनाएं, सरकार धार्मिक उस पर काम कर रही है, सरकारें धार्मिक उससे बनी हुई है, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं तो सरकारें करवा रही है, इनकी मदद होना चाहिए। एक धार्मिक रिलीफ फंड देश में बने, इस तरह के हादसे होते हैं तो उससे उनको पैसे दिए जाए। तमाम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप करेंगे क्या कार्रवाई? कहीं के लिए करो, हादसा है, हादसा होगा, हादसा कर रोको। क्या वृंदावन में उसमें जो भेड़ी इकट्ठी होती है, यहाँ दिल्ली जब वहाँ 750 किसान शहीद हुए तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? ये एक हादसे हैं, इनको कैसे रोका जाए उस पर काम करें, इनको आर्थिक मदद करें, दो ही चीज। राहुल गांधी आए यहाँ, चंद्रशेखर आजाद आए, वो लगातार बोल रहे हैं संसद में उठाएंगे इनकी बात। हाँ तो संसद में उठाना चाहिए, उनको भी देना चाहिए कुछ कुछ पैसा, पार्टी को जो लोग भी आ रहे हैं उनको भी देना चाहिए। देखो अब है परिवार की मदद की बात, परिवार की मदद करो, परिवार की मदद होनी मदद होनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया है उससे आप कितना? 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता भाई, धार्मिक भावनाएं तो सरकार कर रही है ना, सरकारें बनाएंगी धार्मिक उस पर, और कोई हादसा हो जाएगा तो फिर मुआवजे से कन्ना काट जाएगी। एक धार्मिक रिलीफ फंड बने, उससे इस तरह के हादसों में मदद हो। भाजपा की जो मौजूदा सरकार है वो बोल रही है, जिस तरह से लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, सभी लोगों के लिए बोला जा रहा है, वो राजनीति कर रहे हैं, क्या आप राजनीति कर रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे भाई, बीजेपी वाले दे दें भाई, बीजेपी वाले धार्मिक उस पर बीजेपी सरकार आई तो इनको फंड तो दे दे, मतलब परिवार के पास में आवे भी ना, परिवार के पास में आवे भी ना, मुलाकात कर रहे हैं इनका पता लेने भी ना आवे, वो बोल रहे हैं। तो आप सिर्फ मुआवजे की मांग कर रहे हैं और क्या? जो आरोपी के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? कौन है यहाँ पे मुख्य जो आरोपी है? बाबा को बताया जा रहा है, कौन है तमाम जो मृतक हैं वो ये बोल रहे हैं कि बाबा के चरणों की धूल लेने के दौरान ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं बाबा को सामने आना चाहिए। तमाम लोगों ने अपने मृतक परिवार, जिनके परिवार के लोग हैं वे बताएंगे, उन्होंने बताया है। आप क्या कहते हैं इसको? भाई हम कुछ नहीं कहते, या तो ये बताओगे या पुलिस प्रशासन बताओगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हादसा है, एक भीड़ थी वो हादसा है, हादसा क्यों हुआ उस पर काम करना चाहिए और इनकी आर्थिक मदद करो। टिकैत साहब की तरफ से मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि इनको 50 लाख रुपए मुआवजा दो, 10-15 लाख रुपए महाराज जी दे। ऐसा नहीं हुआ तो कह ही तो सके, आपके सामने कह रहे, ये खबर जाएगी पूरे देश भर में भाई। यही उनके खिलाफ मुकदमा है कि कुछ फंड आश्रम से मिले और कुछ फंड सरकार से मिले, इनकी मदद हो जाएगी। आप लगातार हाथरस गए, क्या मृतकों के परिवारजनों ने कुछ बातचीत नहीं? हमने उस संबंध में कोई बात नहीं करी, वो तो एक हादसा है, जो लोग बचे हुए वहाँ पर नहीं थे और जिनकी डेथ हुई वो पता नहीं, वो तो भीड़ से हुई, वो स्थान भी हम देख का है, भीड़ दोनों तरफ से जब भीड़ बढ़ी तो जो बच्चे थे, महिलाएं थी, वो उसमें गिरे और लोग उनके ऊपर को क्रॉस होते चले गए, उससे हादसा हो जाए। मेरा आखिरी सवाल है, हाँ जी, जैसे आपने किसान यूनियन, आपकी टिकट गुट तमाम जगह पर मौजूद है, किसानों को लेकर आपने आंदोलन की बात कही, सरकार बैकफुट पर आ गई, इस मामले को क्या आप उठाएंगे? अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो क्या सड़कों पर उतरेंगे? जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम कहते रहेंगे, कहते रहेंगे सड़कों पर उतरने की बात करेंगे। चलो सड़कों पे वो नहीं, क्योंकि चलो नहीं, हम नहीं कह रहे इस बात को, आप बताइए, अभी सड़कों पे इस तरह के मामलों में नहीं है। अभी अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो हम कहते रहेंगे, जब तक मुआवजा नहीं देंगे तो बोलते रहेंगे। आप अल्टीमेटम वगैरह भी देते हैं जैसे किसान यूनियन के द्वारा? इसमें नहीं है, अभी नहीं देंगे, लेकिन मन है देने का? नहीं, मन भी नहीं, नहीं है इस मामले को, मतलब सिर्फ बता ना, इनसे मिले हैं और सरकारों को दिया है, सरकारों को कहा है कि सरकार भी दे और महाराज जी भी दे, उनसे बातचीत होगी, उनकी संस्था से बातचीत होगी तो हम जरूर कहेंगे कि आर्थिक मदद वे भी करें। ठीक है, बिल्कुल। राकेश टिकैत साहब मेरे साथ मौजूद थे, लगातार उनके द्वारा मुआवजे की बात कही जा रही है, मुआवजा न देने पर उनके द्वारा अभी तक प्रदर्शन करने की कोई बात उनके द्वारा नहीं की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।